सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिनका जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुछ ले गए, उनसे पूछने में कितनी तकलीफ हो रही है। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पर चर्चा हो। चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किनके संरक्षण में हो रहा है। कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होगा। तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां हैं, सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य सुनवाने अभी चल नहीं पाया है। नीट वाले इश्यू को लेकर रेज किया गया मैटर क्या कहना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है और हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और जहां तक लोगों की एस्पिरेशन, बच्चों की और इंस्पिरेशन दोनों का ही सवाल है और कहीं ना कहीं आप यंग और जो यूथ है इस कंट्री का उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। और मैं तो आप चैनलों के माध्यम से कहना चाहूंगी सरकार को कि आप इस इश्यू को जितनी जल्दी टेकअप करें उतना बेहतर है हमारे देश के युवाओं के और हमारे देश के युवाओं के भविष्य के। देखिए, हमारी ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी। जो लाखों बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके फ्यूचर अंधकार में है, जो भविष्य हमारा अंधकार में करने की तरफ कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर देश को जवाब दे ना। देश के युवा आपको देख रहे हैं, संसद की जो कार्यप्रणाली है उस पर देखकर आपसे उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष से कि हम वो मुद्दा उठाएंगे। आप उसको कह दें कि नहीं, आप राष्ट्रपति के ही अभिभाषण को लेकर आप उसमें नीट का मुद्दा जोड़ दीजिए। ये नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं और नीट पे एजुकेशन मिनिस्टर ने शुरुआत इससे की थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और अब कहा है कि हाँ शायद पेपर लीक हुआ है और सीबीआई की इंक्वायरी की है। तो ये जो बहरूपियापन है इनका कि हाँ हम कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम ये अकाउंटेबिलिटी तय करना चाह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जाकर देश की जनता को बताएं, युवाओं को बताएं क्यों उनके साथ इस तरीके से बर्ताव हो रहा है, क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जबलपुर में एयरपोर्ट टूटा है, जहाँ तक देखिए ये लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं देश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और सबसे ज्यादा पेपर लीक के कहीं के सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार है। नीट जैसा इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य का निर्धारित करना था, वो इम्तिहान में जिस तरह पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर दृष्टिकोण रखें क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष के सांसदों में इस बात को दोष बनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं, तुरंत इस पर डिस्कशन करते हैं।